Hey guys, assalamu alaikum. This is Yuda Fahan and welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज मैं ब्लॉग घर के बाहर खड़ा होकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा दरवाजा बंद हो चुका है और मैं जा रहा हूँ बीच अपने दोस्तों के साथ। मेरे कोई दोस्त आए मेरे लवर्स हैं तो उन लोगों को बीच घुमाना है मैंने और हमारा रेडी हो चुका है। आजा भाई नीचे और बाकी सारे घर में नीचे। ये ना मेरा कैप और चक्का। तो बस अब निकलते हैं बीच और देखते हैं अभी कैसे क्या है। तो बस हम पहुँच गए और ये बेचारे बाइकों से डर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कराची में अबे अपने गली के लड़के यार मुशफ्फा तुम लोगों से डर रहे हैं लोग यार। तो ये देखे छुप के बैठा हुआ गाय। अबे यार अबे अपने गली के लड़के भाई देखो। तो भाई हमने उनको पैक कर लिया था और अब आई एम डायरेक्ट यहाँ पे सामान भी हमने ले लिया ऑलरेडी। बस हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रह गई हैं और वो हमारे मेहमान जो है नदीद भाई ये हमारे लाहौर से मेहमान आए हुए हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं। उनको हम बिल लेने नहीं देंगे ठीक है। तो बाकी सारे आगे भी छुए हुए हैं वो भी आते होंगे। तो ये बैठा हमाद और तो भाई ये है नवीद भाई मेरे दोस्त हैं लाहौर से आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। तो बस अभी हमने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी थी और बाकी सब ने ले चुके हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर रखी हुई है। तो भाई सारा सब कोल्ड ड्रिंक उठा ले कोल्ड ड्रिंक उठा के गाड़ी डिग्गी पर रहते हैं। तो भाई ये ऑलरेडी हमने सामान लिया हुआ था ये हो चुका है। ये भाई की गाड़ी ऐसी हम लोगों ने फैलाई भी असल इस बार तो डिग्गी बंद कर दे। तो भाई सब जा रहे हैं हम बीच पहुँचते हैं उसके बाद दिखाते हैं आज का मौसम बड़ा मजे का है। आप देखें जस्ट लुक एट द क्लाउड्स और अब पहुँचते हैं बीच। भाई रास्ते में हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया क्योंकि हमारे दो दोस्त बाइक पे आ रहे थे और ये हमारे भाई हैं नवीद भाई का एक्सपीरियंस कराची का बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आया उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कैसा लगा नवीद भाई? अब हम पहुँच गए हैं बीच पर। क्यों भाई बाकी ये देखो हम बीच पे पहुंच गए दिखाओ हाथ उठाओ ये यहाँ पे पहुंच गए। तो बस और ये हमारे आ गए कुछ गेस्ट जिनको जिनको शौक है बाइक पे घूमने का। तो बस अब देखते हैं आगे का सीन। सबसे पहले तो हमारे लाहौर वाले भाई का एक एक्शन एक्सप्रेशन फर्स्ट व्यू जो होता है ना बीच का वो चेक करते हैं भाई। अभी आगे चलो थोड़ा सा फिर दिखाएंगे ठीक है। वो देख यार बहुत खूबसूरत जगह है यार। कैसा है? एंड एंड ओए होए क्या जगह क्या प्यारा मौसम हो रहा है। विश पूरा हो गया इधर आके। अजीत भाई कैसा लगा कराची का बीच है भाई ये अच्छा है। सेक्सी है। तो भाई ये पहले सी व्यू चले गए थे अब आए हैं प्रॉपर बीच पे। तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत बहुत आज तो तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है कि इतना अच्छा मौसम मिल गया और ये हमारे बंदे ने चेयर्स वगैरह लेकर आ गया भाई लौंडा यहाँ यहाँ पानी के आगे बैठो बड़ा मजा आएगा। बैठ जाओ शाहजी तुम भी आओ। निजाम भाई हम आए पहुंचे हमने चेयर्स लगाई लेकिन हमारे लौंडे ना डायरेक्ट पानी में चले गए भाई लाहौर वाले। स्नैप बननी है। नवीद भाई नवीद कैसा है मजे गए? तो भाई इनमें से एक बंदे की तो बकायदा विश पूरी हुई है बीच पे आने की। तो गाइस हम सी व्यू पहुंच गए हैं और हमारे साथ बाइकें भी हैं ये लोग लड़के भी हैं सारे और ऐसा हमने नहीं कहा था ऐसा उसने कहा था आप समझ रहे हैं ना। वो देखें हम आए थे ऐसे ही लेकिन यहाँ पे इत्तेफाकन हमें 1000 रुपये का एक हट मिल चुका है जो कि हमने ये बंजर दिख रहा है आपको ये हमारा हट है और ये सारे नवीद भाई मेरा ग्लासेस वापस करो अभी तो रुक जा। तो भाई ये हट है और ये हमारे हट का व्यू पीछे से होता तो मार के। क्या मतलब क्या मुआस की बात कर रहे मेरी यहाँ पे तो आना भी हमने हट ऐसा लिया है कि उधर जाने की जरूरत हमें नीचे से नहीं है यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट निजाम भाई। तो बाकी ये लोग यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे हैं कैसा लग रहा है मजे का बीच है। तो भाई अब हमने कर लिए कपड़े चेंज और अब जाएंगे हम नहाने। कैप नहीं दूंगा कैप नहीं दूंगा कैप नहीं दूंगा कैप मैं नहीं दूंगा।
कहते दूंगा ओए ये ले भाई तू कैप से बस। और यहाँ निजाम भाई लेकर आ गए अब चेयर। मेरे पास कपड़े नहीं है। नहाएगा नहीं? अच्छा तो बस अभी हम जाएंगे थोड़ी सी देर में बोट पे और बोट का बनाएंगे फिर। सब जा चुके हैं पानी में नहाने के लिए। वो रहे चारों पांचों लड़के हमारे, मैं भी जो दौर के आए हैं वो दोनों, और हम लोग बस मैं भी खड़ा हूँ पानी के पास और अब जाते हैं नहाने के लिए, मिलते हैं बोट पे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के तकरीबन 2 घंटे बाद जाके हमारा एक बोट वाला मिला है मैं, और मैंने कपड़े वपड़े चेंज करा था तो इतने में भाई सारे बैठ भी गए हैं। और हाउ योर फीलिंग ब्रदर? वेरी एक्साइटेड यार। गीले तो नहीं होंगे? नहीं नहीं गीले नहीं होंगे, बस अब तो आएगा मज़ा। यार मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान टूर पर बैठा था बोट पर और आज बैठ रहा हूँ भाई, मज़ा आने वाला मुझे लग रहा है। आप बैठ सकते हैं ऊपर, दो बंदे बैठे बाकी नीचे बैठे। ठीक है जब उधर बैठा चला रहा हूँ ना, सफर कर दो भाई। ओए पहली बार बैठे बोलते ना, मजा आएगा। उधर लड़कों में बैठते थे भाई, आपको पता है सफर करना तो भाई आपको पता है। सबसे मजे की बात आज ये है कि आज का मौसम जो है ना यार, माशाल्लाह 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 बहुत मजे का, बहुत मजे का। और लड़के ईद मुबारक। राम भाई तुम तो राजपाल यादव की तरह लेटे हो। राम भाई की बैंड बज रही है। मुझे चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि आवाज मुझे लग रहा है नहीं आएगी। मजा आ रहा है भाई, मुझे बहुत डर लगता है बोट से, लेकिन मैं आके बैठ गया हूँ फिर भी। अब देखते हैं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। अब हम जा रहे हैं अंडर द वॉटर। मेरी आवाज आए ना आए, मेरी हंसी की आवाज जरूर आएगी। तो भाई हम आए थे बोट पे और ये सारे बनाने लग गए वीडियो। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमारी बोट का हो गया पूरा और अब निकलते हैं। देखो मजा आया भाई, बहुत 10 बार पूछो है तुझसे, 10 बार तुझे मजा आया, सब दफा है। नवीद भाई खुश है? आज एक रास्ते में हमारी बोट पंचर हो गई थी तो हम लोग को इस वजह से मैं वापस आना पड़ा। यार अच्छे वाले टायर लगवाओ ना यार बोट में, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। देखो हमारे यहाँ कराची में बोट में टायर होते हैं बिल्कुल ऐसे, मैंने देख लिए। तो भाई बोट वोट भी हो गई हमारी पूरी और आज का दिन हमने बड़ा अच्छा गुजारा हमारे दोस्तों के साथ जो हमारे लॉर्ड्स आए हुए थे, उन लोगों को चाहिए होती इस तरह की एक चीज। तो भाई अब निकलेंगे हम नाश्ता करने, सही भाई? मजा आया? मजा आया? तो भाई अब निकलते हैं नाश्ता करने। तो भाई आज मेरी बाइक किसी और के हाथ में थी और पेट्रोल खत्म हो गया तो मतलब मैं, मेरे ऊपर बुरा ही नहीं। टिकट लेने आ दो मांग। तो भाई अब हो रहा है हमारा नाश्ता और कैसा लगा? तुम बहुत काले आ रहे हो। कैसे काला आ रहा हूँ बहुत यार, बीच में काला हो गया, ऊपर से लाइटिंग भी वहां से आ रही है, काला लग रहा है। टेंशन मत लो, नहीं हुआ। कैसा लगा? बिल्कुल बकवास भाई, अब सही आ रहा हूँ। बस हम लोग निकल रहे हैं घर, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया, ये हमारे पराठे। नवीद भाई मजा आया? तो भाई और ये दूसरा वाला पठान हमारा भाई मजा आया? बस हो गई है, अब बताइए कि खत्म। ये तो पूरा सिंधी लगता है भाई, मजा आया? नहीं भाई नहीं जब नहीं। तो बस अब चलते हैं घर, मेरा फोन 1% हो गया है। बस आज का ब्लॉग होते मेरा यहाँ खत्म। अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और सबका अपना भी ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह रमजानों वाली कंसिस्टेंसी फिर लेकर आएंगे।